हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉफी विद करो किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना आइसक्रीम। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल बन जाती है। हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आज बनाना आइसक्रीम बनानी है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 6 जो है वो बनाना लिए हैं। इनको हम अच्छे से काटेंगे। सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे और इनको हमने काट लेना है बिल्कुल अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, 6 घंटे हो गए हैं। हमने बनाना को फ्रिज में रखा था। देखिए, इनका कलर भी चेंज हो गया है। इनको फ्रीज किया था हमने और ये बिल्कुल प्लेट के साथ चिपक चुकी हैं। ये देखिए, इसको हम नाइफ के साथ उतारेंगे। ये देखिए कि प्लेट के अंदर से बिल्कुल ये प्लेट के साथ चिपक गई है, तो हम इसको नाइफ से उतार सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको 10-15 मिनट रख सकते हैं तो ये अपने आप निकल जाएंगे। इसी तरह हम सारे बनाना को निकालेंगे और इनको एक जार में हम ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो एक प्लेट के बनाना थे, 3 बनाना हमने एक प्लेट में रखे थे और 3 बनाना दूसरे प्लेट में, तो एक प्लेट के बनाना जो है वो मैंने उतार के बहुत अच्छे से इस जार में डाल दिए हैं। अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। ये देखिए, आधा कप दूध डालेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करेंगे। देखिए, दो तरह की आइसक्रीम आज मैं आपको बताऊंगी। ये फर्स्ट है, तो हम पहले इसको तैयार करेंगे। बनाना और दूध हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए, एक बार हमने ग्राइंड कर लिया है दूध और बनाना को। अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे और दोबारा से इसको ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड करते समय मिक्सर को एक साथ में नहीं चलाना है, धीरे धीरे इसको ग्राइंड करना है। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है बनाना आइसक्रीम। बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही इजी है इसको बनाना। मीठा जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपको और थोड़ा मीठा चाहिए तो आप इसको डाल सकते हो। आप अभी भी इसको खा सकते हो, बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए। नहीं तो आप इसको फ्रिज में भी लगाकर और अच्छे से इसको बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए। चलिए, अब मैं आपको दूसरी आइसक्रीम के बारे में बताती हूँ। देखिए, दूसरी आइसक्रीम तैयार करते हैं। फिर से दोबारा हमने जो प्लेट में 3 बनाना रखे थे उनको इसमें ऐड कर देंगे एक जार में। बहुत ही सिंपल सेम प्रोसीजर है इसका भी। और इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास दूध और अब हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास कुछ चॉकलेट सिरप है, मैं इसमें ये डाल रही हूं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कोई भी चॉकलेट डाल सकते हो, डेयरी मिल्क डाल सकते हो, कोई भी आप चॉकलेट इसमें डाल सकते हो फ्लेवर देने के लिए। अब हम इसको भी ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए, चॉकलेट फ्लेवर आ गया है बनाना में, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसका भी जो मीठा है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको कितना मीठा चाहिए। अब हम इसको भी एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इजी है बनाना आइसक्रीम बनाना और अच्छी भी है खाने के लिए।